Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, how are you? Well, huh? Friends, today I am going to teach you about the use of meant for and made for. Okay friends, ये मीन्ट फॉर एंड मेड फॉर क्या चीज़ है आपने सुना होगा बहुत बार मीन्ट का इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश बोलने वाले करते हैं और मेड फॉर का भी तो ये दोनों मीन्ट फॉर और मेड फॉर क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं आज की क्लास में हम यही सीखेंगे तो शुरू करते हैं आज का क्लास लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे फ्रेंड्स मैंने लिख रखा है सारे सेंटेंसेस मीन्ट फॉर एंड मेड फॉर मीन्ट फॉर और मेड फॉर का मतलब क्या होता है मीन्ट फॉर और मेड फॉर का मतलब होता है बना होना मीन्स किसी चीज के लिए बना होना किसी काम के लिए बना होना ओके फ्रेंड्स तो हम इसको एक एक करके सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं जैसे एक सेंटेंस है तुम बिजनेस के लिए बने हो मीन्स तुम बिजनेस के लिए बने हो किसी को भी हम बोलते हैं ना यार तुम खाली नाचने के लिए बना है तू खाली गाने के लिए बना है इस तरह से हम किसी को बात करते हुए हम बोलते हैं हिंदी में कि वो यार खाली खाने के लिए ही बना है मीन्स इस तरह की हम बातें करते हैं तो इस तरह की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो जैसे तुम बिजनेस के लिए बने हो यहाँ पर हम सब्जेक्ट किसी काम के लिए नहीं बना है मतलब यहाँ पर सेंटेंस में ये दिखाया नहीं जा रहा है कि काम मतलब किसी काम को करने के लिए इसी के लिए हम यहाँ पर मीन्ट फॉर या मेड फॉर दोनों में से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो तुम बिजनेस के लिए बने हो यू आर मीन्ट फॉर बिजनेस या यू आर मेड फॉर बिजनेस ओके फ्रेंड्स अब यहाँ पर है तुम बिजनेस करने के लिए बने हो यहाँ पर करना इज द वर्ब करना एक वर्ब है क्रिया है अगर सब्जेक्ट किसी काम के लिए काम करने के लिए बना है किसी काम को करने के लिए बना है ऐसा सेंटेंस में दिखाया जा रहा है तो हम फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं ठीक है फ्रेंड्स फिर हम इसको कैसे बनाएंगे तुम बिजनेस करने के लिए बने हो यू आर मीन्ट फॉर डूइंग बिजनेस या यू आर मेड फॉर डूइंग बिजनेस ओके फ्रेंड्स जब कभी भी सेंटेंस में किसकी किसी काम के लिए बना हो सब्जेक्ट किसी काम के लिए बना है ऐसा दर्शाया जा रहा है सेंटेंस में तो उसको हम जब वर्ब लिखेंगे वर्ब यानी कि क्रिया तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे ठीक है फ्रेंड अभी तीसरा सेंटेंस है तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो तो यू आर ओनली मीन्ट फॉर मी या यू आर ओनली मेड फॉर मी ओके फ्रेंड्स आप मीन्ट फॉर और मेड फॉर दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिंदास आंख मूंद के हम एक दूसरे के लिए बने हैं हम एक दूसरे के लिए बने हैं ये चीज जो है आपने काफी सुना होगा मूवी में वी आर मेड फॉर ईच अदर्स या वी आर मीन्ट फॉर ईच अदर्स ओके फ्रेंड्स किताब पढ़ने के लिए बनी है किताब पढ़ने के लिए बनी है इसमें वर्ब आ रहा है क्रिया मीन्स पढ़ना पढ़ना इज द वर्ब इसके लिए हम यहाँ पर वर्ब में यानी कि रीड में आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे ठीक है फ्रेंड्स द बुक इज मीन्ट फॉर रीडिंग या बुक इज मेड फॉर रीडिंग ओके फ्रेंड्स अभी लास्ट सेंटेंस है अध्यापक पढ़ाने के लिए बने हैं तो टीचर्स आर मीन्ट फॉर टीचिंग टीचर्स आर मेड फॉर टीचिंग ओके फ्रेंड्स इस तरह से हम मीन्ट फॉर और मेड फॉर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें कि अगर इस तरह के सेंटेंस दिया उसमें बना हो मतलब फला इस काम के लिए बना है फला इस काम के लिए बना है फला इसके लिए बना है मीन्स बोलते ना कुर्सी बैठने के लिए बनी है कुर्सी बैठने के लिए बनी है द चेयर इज मीन्ट फॉर सिटिंग द चेयर इज मेड फॉर सिटिंग इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस जब इस तरह की बातें हो बनी है इसके लिए बनी है उसके लिए बनी है तो उसमें हम मीन्ट फॉर या मेड फॉर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मीन्ट फॉर और मेड फॉर का कि हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो अगर कुछ आपको फायदा हो रहा हो हमारे वीडियो से
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।